सो हे गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज, तुमको पता होगा कोई भी चीज़ हमेशा पहली बारी में ही परफेक्ट नहीं बनती। परफेक्ट बनाने के लिए हमको काफ़ी ज़्यादा बार ट्राई करना पड़ता है। तो यार, ऐसे ही जब पोकेमॉन के डिज़ाइंस बनते हैं तो वो भी हमेशा पहली बार में ही परफेक्ट नहीं बन जाते हैं। काफ़ी सारे स्क्रैप डिज़ाइन भी होते हैं जिन्हें कि हम लोग बेटर पोकेमॉन या फिर अनरिलीज पोकेमॉन कहते हैं। तो यार, आज की हमारी इस वीडियो में हम लोग ऐसे ही टॉप 30 बेटर पोकेमॉन्स या फिर अनरिलीज पोकेमॉन के बारे में बात करने वाले हैं। तो यार, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, पूरे एंड तक ज़रूर देखना। अब बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, कोटोरा फैमिली। तो ये कोई अकेला पोकेमोन नहीं है, ये इसकी पूरी एवोल्यूशनरी लाइन है। पहले फॉर्म का नाम है कोटोरा, दूसरे वाले फॉर्म का नाम है राइटोरा, और तीसरे वाले फॉर्म का नाम रिवील नहीं किया गया, और शायद से या फिर उन लोगों ने नाम रखा ही नहीं था। ये तीनों के तीनों पोकेमॉन्स इलेक्ट्रिक टाइप के पोकेमॉन्स होने वाले थे, लेकिन यार फिर जब फाइनल गेम आया तो इन तीनों पोकेमॉन्स को नहीं लिया गया। यार, मेरे को तो सही में तीनों का डिजाइन बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, पता नहीं पोकेमॉन कंपनी ने क्यों इनको गेम से निकाल दिया था। नंबर 2, मिडैमे। तो मिडैमे पोकेमॉन जो है वो पहले फारफेस्ट का एवोल्यूशन होने वाला था, यानी कि बेस फॉर्म फारफेस्ट, फिर लेवल 24 पे मिडैमे। यानी कि तुम समझ सकते हो, सरफेस्ट के आने से 22 साल पहले ही फारफेस्ट का एक एवोल्यूशन होने वाला था मिडैमे, जिसे कि पोकेमॉन गोल्ड एंड सिल्वर में इंट्रोड्यूस कराया जाने वाला था। लेकिन फिर जब पोकेमॉन गोल्ड एंड सिल्वर डेमो वर्जन आया तो डेमो वर्जन से इस पोकेमॉन को निकाल दिया गया था। नंबर 3, ट्विंस पोकेमॉन। तो ये पोकेमॉन डार्क एंड नॉर्मल टाइप का होने वाला था, और इसे जिराफरिक पोकेमॉन का फर्स्ट एवोल्यूशन भी रखे जाने वाला था। जिराफरिक पोकेमॉन का भी जो बेटा वर्जन था उसमें उसके दो सर होने वाले थे, एक आगे एक पीछे, तो इसीलिए ये उसके फर्स्ट एवोल्यूशन जैसा लगे, इस वजह से इसको भी दो सर दिए गए थे। लेकिन फिर बाद में जिराफरिक का डिजाइन चेंज कर दिया गया और उसके फर्स्ट फॉर्म यानी कि ट्विंस को हटा ही दिया गया, इसको डायरेक्ट गेम से निकाल दिया। नंबर 4, बेटा ड्रैगनेर। तो गाइस, तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर ड्रैगनेर का डिजाइन पहले कुछ ऐसा होने वाला था, लेकिन फिर बाद में इसके डिजाइन को बदल कर ऐसा कर दिया गया। ज्यादा तो चेंजेस नहीं है, पर फिर भी मुझे अभी वाला जो ड्रैगनेर है वो ज्यादा पसंद है। नंबर 5, रायकू। तो गाइस, जोटो रीजन का लेजेंडरी पोकेमॉन रायकू जो है वो पहले कुछ ऐसा डिजाइन किया गया था। वैसे यार, सही में इस बेटर रायकू का जो डिजाइन है वो अभी वाले से भी ज्यादा कूल है, बहुत ज्यादा अच्छा डिजाइन है। पर पता नहीं यार, इतने अच्छे डिजाइन को पोकेमॉन कंपनी ने क्यों स्क्रैप किया। वैसे तुम लोग बताओ, तुमको ये वाला रायकू ज्यादा पसंद है या फिर ऑफिशियल वाला। नंबर 6, कोन्या। तो इसके डिजाइन को देख के तुम लोग समझ गए होगे, हाँ ये मियोथ के एवोल्यूशन लाइन में से होने वाला था। ये मियोथ का फर्स्ट यानी कि बेस एवोल्यूशन होने वाला था, लेकिन फिर बाद में इसको भी निकाल दिया गया गेम से, तो इसीलिए मियोथ के अब सिर्फ 2 ही एवोल्यूशन स्टेज है। अगर इसको नहीं निकाला जाता तो उसकी भी 3 होती। नंबर 7, नोरोवारा। इस डॉल को बनाया गया था किसी को कर्ज करने के लिए, हाँ मतलब ये वुडू डॉल्स पर बेस्ड है, जो वुडू डॉल्स होती हैं उन पर। वैसे ये पोकेमॉन तुम लोग देख सकते हो काफी ज्यादा क्रीपी सा लग रहा है, और उसकी स्माइल की तरफ देखो यार एक बार, काफी ज्यादा क्रीपी है। और नोरोवारा पोकेमॉन के बाजू में जो है वो उसका सेकेंड एवोल्यूशन स्टेज है। नंबर 8, बेटा सिजोर पोकेमॉन। तो यार तुम लोग देख सकते हो, सिजोर पोकेमॉन जो है वो पहले कुछ ऐसा होने वाला था। इसमें जो सिजोर का फेस है और उसका जो कलर है वो एकदम साइथर जैसा ही है, लेकिन फिर बाद में इसको थोड़ा चेंज कर दिया और सिजोर को रेड कलर का बना दिया, और उसका फेस भी थोड़ा चेंज कर दिया। नंबर 9, बेटा पीचू। तो यार तुम लोग देख सकते हो, पीचू पोकेमॉन जो है वो पहले कुछ ऐसा होने वाला था। मेरे ओपिनियन में तो यार जो बेटा पीचू है इसका डिजाइन बहुत ज्यादा बकवास है। सही में यार, अच्छा ही है पोकेमॉन वालों ने पीचू को चेंज कर दिया, क्योंकि यार अभी वाला पीचू तुम लोग देख सकते हो कितना ज्यादा क्यूट है, लेकिन ये वाला तो बहुत ज्यादा बकवास है। नंबर 10, होहो पोकेमॉन। तो ये पोकेमॉन नॉकटाउल का बेटा वर्जन है। इस वाले डिजाइन में इन लोगों ने नॉकटाउल को हूटहूट जैसा सिमिलर दिखाने की काफी ज्यादा कोशिश की है, लेकिन फिर बाद में इस डिजाइन को स्क्रैप कर दिया गया और एक नया नॉकटाउल बनाया गया, जो कि तुमको पता है कैसा दिखता है। मेरे ओपिनियन में ऑफिशियल नॉकटाउल ही ज्यादा बेस्ट है। नंबर 11, वुल्फमैन पोकेमॉन। ये पोकेमॉन प्योर आइस टाइप पोकेमॉन है, और इसके अलावा इसके पास एक एवोल्यूशन भी है जिसका नाम है वेयरवुल्फ, जिसमें कि ये लेवल 35 पर इवॉल्व होता है। इनका डिजाइन मेरे ओपिनियन में तो काफी अच्छा है, पर पता नहीं इनको भी क्यों स्क्रैप कर दिया गया। नंबर 12, बू पोकेमॉन। तो ये पोकेमॉन जिंक्स का मेल वर्जन होने वाला था, और इसका डिजाइन भी अच्छा खासा ही था, लेकिन फिर भी फाइनल गेम्स में इसको नहीं लिया गया। नंबर 13, डियर। तो इस पोकेमॉन का कोई भी नाम नहीं है, इसी वजह से इसको डियर नाम दे दिया गया है, क्योंकि ये डियर जैसा दिखता है। वैसे इस पोकेमॉन का डिजाइन देखोगे तो काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन फिर भी उन्होंने इसके डिजाइन को स्क्रैप कर दिया, और हो सकता है शायद उन्होंने इसी आइडिया को लेकर आगे चल के स्टैंटलर पोकेमॉन को बनाया हो। नंबर 14, बेटा लीफियन। तो गाइस, ईवी की जो ग्रास टाइप एवोल्यूशन है यानी कि लीफियन, उसका ये बेटा वर्जन है। इसका नाम पहले वो लोग लीफी रखने वाले थे, लेकिन फिर बाद में लीफियन रख दिया। और अगर कंपेयर करें डिजाइन को तो मेरे हिसाब से ऑफिशियल वाला जो डिजाइन है वही ज्यादा अच्छा है। नंबर 15, बलूंडा पोकेमॉन। तो हाँ यार, ये जो बलून देख रहे हो तुम, एक टाइम पे ये पोकेमॉन होने वाला था। ये पूरा बलून ही है, बस इस पे मुंह और आंख बना दी गई हैं, मतलब कि डिजाइन के बारे में तो बात करके कोई फायदा ही नहीं है। जो भी हो, लेकिन फिर ये पोकेमॉन फाइनल गेम्स में नहीं आ पाया, इसको स्क्रैप कर दिया गया।
लेकिन फिर जनरेशन 4 यानी कि सिनोइजन के टाइम पर उन लोगों ने इसी से इंस्पायर होकर एक बलून पोकेमॉन यानी कि ड्रिफलून को बनाया था। नंबर 16, एलिफेंट पोकेमॉन। तो इस पोकेमॉन का भी कोई नाम नहीं रिवील किया गया, लेकिन ये पूरी तरीके से एक एलिफेंट जैसा ही दिख रहा है, तो इसी वजह से इसका नाम एलिफेंट रख दिया है। इसके डिज़ाइन में उन लोगों ने नॉर्मल एलिफेंट से ज़्यादा कुछ चेंज नहीं किया है, मतलब सेम सा ही डिज़ाइन है, तो शायद इसीलिए उन लोगों ने इस पोकेमॉन के आइडिया को ड्रॉप कर दिया होगा। लेकिन फिर बाद में उन लोगों ने काफ़ी सारे एलिफेंट पोकेमॉन बनाए हैं अब तक। तो नंबर 17, बेटा ऑक्टेलरी। तो तुम लोग देख सकते हो ऑक्टेलरी पोकेमॉन का डिज़ाइन पहले कुछ ऐसा होने वाला था। वैसे मेरे को ऑक्टेलरी पोकेमॉन बिल्कुल भी नहीं पसंद है, और अगर मैं डिज़ाइन कंपेयर करूँ कि कौन सा वाला ज़्यादा अच्छा है, तो मेरे हिसाब से बेटा वाला मेरे को ज़्यादा अच्छा लग रहा है। नंबर 18, इकारी पोकेमॉन। तो इस पोकेमॉन का डिज़ाइन तुम लोग देख सकते हो जो कि बहुत ही ज़्यादा गजब है। इसके डिज़ाइन से तुम लोग को साफ समझ में आ रहा होगा ये एक शार्क पोकेमॉन है। तो इकारी पोकेमॉन जो है वो एक वाटर टाइप पोकेमॉन का मिडल एवोल्यूशन है, यानी कि इकारी जो है वो इवॉल्व होता है। हालांकि मुझे लगता है कि तुम लोग को इसकी एवोल्यूशनरी लाइन जो है वो कुछ खास पसंद नहीं आएगी, मुझे भी काफ़ी ज़्यादा बेकार सी लगी। इन तीनों में से मेरे को तो सिर्फ और सिर्फ मिडल एवोल्यूशन यानी कि इकारी अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर बाद में इकारी के डिज़ाइन को भी स्क्रैप कर दिया गया, यानी कि फाइनल गेम्स में नहीं लिया गया। लेकिन फिर बाद में इकारी पोकेमॉन के आइडिया से इंस्पायर होकर शार्पीडो पोकेमॉन को बनाया गया था। नंबर 19, इलाबेबी पोकेमॉन। तो ये पोकेमॉन इलेक्टाबस का फर्स्ट एवोल्यूशन होने वाला था, यानी कि हाँ ये एलिकेड का बेटा वर्जन है। मुझे तो ये वाला डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा बेकार लग रहा है, अभी जो ऑफिशियल वाला डिज़ाइन है वही अच्छा है। नंबर 20, ट्राई फॉक्स पोकेमॉन। तो अगर तुम लोग गेस करके देखो ये किस पोकेमॉन का फर्स्ट एवोल्यूशन हो सकता है, तो ज़्यादातर लोगों ने सही गेस किया होगा, हाँ ये वल्पिक्स का फर्स्ट एवोल्यूशन है। यानी कि वल्पिक्स के पास भी 3 एवोल्यूशन स्टेज होने वाले थे, लेकिन उसका भी फर्स्ट स्टेज हटा दिया गया गेम से। मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो मेरे हिसाब से तो यार इस पोकेमॉन का डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एक फर्स्ट स्टेज पोकेमॉन के लिए, तो मेरे ख्याल से यार पोकेमॉन वालों को नहीं निकालना चाहिए था इसको। नंबर 21, बेल बॉय एंड पोकेमॉन। तो इस पोकेमॉन के 2 एवोल्यूशन स्टेज हैं, पहला है रिंग रिंग और दूसरा है बेल बॉय एंट। तो डिज़ाइन देख के साफ पता चल रहा है ये पोकेमॉन एक कैट पोकेमॉन होने वाला था। मेरे हिसाब से यार इस पोकेमॉन को रखना चाहिए था गेम में, इसका फर्स्ट एवोल्यूशन और सेकंड एवोल्यूशन दोनों ही अच्छे हैं। नंबर 22, प्लक्स पोकेमॉन। तो इस पोकेमॉन को पिंसर का सेकंड स्टेज बनाया गया था, और इसका डिज़ाइन भी मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन पता नहीं क्यों इसको फाइनल गेम्स में नहीं लिया गया। नंबर 23, सुई पोकेमॉन। तो सुई जो है वो जोटो के लेजेंडरी पोकेमॉन यानी कि सुईकून का बेटा वर्जन है। जैसे कि हमने थोड़ी टाइम पहले अभी रायको का भी देखा था, तीनों के तीनों जो लेजेंडरी डॉग्स हैं जोटो के, उन तीनों का डिज़ाइन पहले एकदम अलग होने वाला था, तो मेरे अकॉर्डिंग तो ऑफिशियल सुईकून ही ज़्यादा अच्छा है। नंबर 24, ब्लास्टोइस और उसकी पूरी एवोल्यूशनरी लाइन का बेटा वर्जन। तो यार यहाँ पर तुम लोग बेटा वर्जन और ऑफिशियल वर्जन का कंपैरिजन देख सकते हो, तो जल्दी जल्दी कमेंट्स में बताओ तुमको ज़्यादा कौन सा पसंद है। मेरे अकॉर्डिंग तो यार ऑफिशियल वाला एकदम बेस्ट है। नंबर 25, बेटा गारचोम्प। तो यार तुम लोग देख सकते हो गारचोम्प का डिज़ाइन पहले कुछ ऐसा होने वाला था। वैसे तो मेरे अकॉर्डिंग दोनों डिज़ाइन बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन यार फिर भी ऑफिशियल वाला एकदम बेस्ट है। नंबर 26, बेटा आरसीएस। तो गाइस पोकेमॉन वर्ल्ड का गॉड आरसीएस तुम लोग देख सकते हो पहले कैसा दिखने वाला था। तो यार तुम लोग भी जल्दी कमेंट्स में बताओ क्या लगता है तुम्हें, कौन ज़्यादा गॉड जैसा लगता है, मतलब जो ऑफिशियल वाला है वो या फिर बेटा वाला। मेरे अकॉर्डिंग तो यार इनमें से भी ऑफिशियल वाला ही बेस्ट है, मेरे को बेटा वर्जन कुछ खास पसंद नहीं आया आरसीएस का। नंबर 27, गोरोचू। तो यार गोरोचू के बारे में तुमने ऑलरेडी बहुत बार सुन रखा होगा। तो गोरोचू जो है वो पिकाचू का थर्ड एवोल्यूशन रखे जाने वाला था, यानी कि पहले पिकाचू, फिर रायचू और फिर गोरोचू। लेकिन यार फिर बाद में इसको कैंसिल कर दिया गया और गोरोचू जो है उनको वापस कभी देखने नहीं मिला। नंबर 28, बेटा ड्रैगनाइट। तो यार तुम लोग देख सकते हो ड्रैगनाइट पोकेमॉन जो है वो पहले ब्लू कलर का होने वाला था, ताकि वो अपने फर्स्ट और सेकंड एवोल्यूशन जैसा लगे थोड़ा थोड़ा, लेकिन इस डिज़ाइन को भी स्क्रैप कर दिया गया और एक नया ड्रैगनाइट बनाया गया, और वही आज ऑफिशियल ड्रैगनाइट है। नंबर 29, बेटा एरियडोज। तो तुम लोग देख सकते हो एरियडोज पोकेमॉन जो है ये उसका बेटा वर्जन है, और इसका नाम पहले टू हेड रखा जाने वाला था, लेकिन यार ये डिज़ाइन उनको इतनी अच्छी नहीं लगी, इसी वजह से उन्होंने इसको भी स्क्रैप कर दिया और एक नई बनाई जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, जो कि अभी ऑफिशियल एरियडोज है। नंबर 30, डायनाबेर पोकेमॉन। तो यार ये भी एक पूरी एवोल्यूशनरी लाइन है जिसे कि स्क्रैप कर दिया गया था। सबसे पहला है फ्लैम बेर, दूसरा वाला है वॉल बेर, और तीसरा वाला है डायनाबेर। मेरे हिसाब से पोकेमॉन वालों को इनको नहीं निकालना चाहिए था यार, कितनी अच्छी एवोल्यूशनरी लाइन है यार। मतलब पोकेमॉन कंपनी वाले ट्रबिश जैसे गार्बेज पोकेमॉन को सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यार इतने अच्छे पोकेमॉन को वो रिजेक्ट कर देते हैं। तो यार यही थी हमारी आज की टॉप 30 बेटा पोकेमॉन / अनरिलीज पोकेमॉन की लिस्ट। कैसी लगी वीडियो कमेंट्स में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई है तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करके जाना। आज का लाइक है मैं 2K लाइक्स का तो कंप्लीट कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि तुमको ऐसा ही पोकेमॉन का अमेजिंग कंटेंट देखने मिलता रहे। और यार अगर तुमने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो जल्दी जाके कर लो यार, वहाँ भी हमको जल्दी से 1K करने हैं। तो चलो यार आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।